नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार का नाम आते ही मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यह केवल एक नगर ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म और सनातन संस्कृत की पहचान भी है। और यहीं से उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आप चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गंगा मैया की पावन धरती हरिद्वार में, जहाँ पर हर साल लाखों लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपसे कहीं कुछ मिस ना हो जाए, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हरिद्वार कैसे पहुंचना है, वहां पर आपको कौन कौन से प्लेसेस पर दर्शन करना है और घूमना है, आपके खाने पीने और रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, और इसके साथ ही साथ हरिद्वार के इस ट्रिप में कुल कितना खर्चा आएगा, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं और आपका मन हरिद्वार जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हरिद्वार कैसे पहुंचना है। दोस्तों, अगर सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो जो है वो ट्रेन है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरिद्वार में ही रेलवे स्टेशन मौजूद है, आप देश के किसी भी कोने से हरिद्वार तक ट्रेन से आ और जा सकते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन देख लीजिए और उस ट्रेन के माध्यम से आप हरिद्वार पहुंच जाइए। दोस्तों, अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप या तो दिल्ली या सहारनपुर तक की ट्रेन ले सकते हैं, उसके बाद यहां से आपको दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी तो आप ट्रेन के जरिए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है बाय एयर। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग द्वारा हरिद्वार आ रहे हैं तो आपका नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून का जालीग्रांट एयरपोर्ट। तो सबसे पहले आप जालीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए, यहां से आप हरिद्वार बाय बस या बाय बाइक या बाय कार किसी भी माध्यम से हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। जालीग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार की दूरी है 40 किलोमीटर, तो आप इस 40 किलोमीटर की सफर को बड़े आसानी के साथ किसी भी साधन से तय कर सकते हैं, उसके बाद आप हरिद्वार नगरी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाय रोड का। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपने पर्सनल कार से या फिर अपनी पर्सनल बाइक से हरिद्वार आ रहे हैं तो आप किसी भी रास्ते से हरिद्वार आ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार आने वाली सभी सड़कों का जो रोड कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से बाय रोड हरिद्वार के लिए आ रहे हैं और अगर आप कार से आ रहे हैं तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको वहां पर हर की पौड़ी में पार्किंग मिल जाएगी, जहां पर आप अपनी गाड़ी को बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर यहां पर पार्किंग चार्ज की बात कर लें तो अगर आपके पास कार है तो कार के लिए आपको 100 रुपए 24 घंटे के लिए चार्ज देना होता है, और वहीं अगर आप टू व्हीलर से आए हैं तो टू व्हीलर का 50 रुपए 24 घंटे के लिए आपको देना पड़ता है। दोस्तों, हरिद्वार पहुँचते ही सबसे पहले आपको जाना पड़ता है हर की पौड़ी। दोस्तों, आप जहाँ पर भी अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं वहाँ से आपको लोकल ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि दूरी के हिसाब से 10 रुपए 20 रुपए और 30 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी 3 किलोमीटर है, जो कि प्रति व्यक्ति 30 रुपए के हिसाब से ई रिक्शा चालक आपसे लेगा, तो आप इस माध्यम से हर की पौड़ी बड़े आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप अपने हिसाब से हरिद्वार किसी भी साधन से पहुंच गए हैं, अब यहां पर आपको रुकने और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है। सो गाइस, फाइनली हम हरिद्वार पहुंच गए हैं और दैनिक प्रार्थना आश्रम में अब रहने के लिए रूम हमने ढूंढ लिया है। 300 रुपए का रूम है, इसमें रहने का प्लस खाने का, इसमें दोनों इंक्लूड है 300 रुपए में। तो चलिए हम आपको रूम का जो सर्विस है वो दिखा देते हैं, क्या है क्या नहीं है। और हमारी पहली गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, दूसरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और हमारे साथ ये सारे दोस्त आए हुए हैं। तो चलिए हम आपको रूम दिखा देते हैं, रूम कैसा है। दोस्तों, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो यहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है शिवपुरा। शिवपुरा में काफी सारे धर्मशाला आश्रम तथा होटल आपको यहां पर रुकने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, हरिद्वार में रुकने के भी दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर आप कम बजट में यहां पर रुकना चाहते हैं तो
आप धर्मशाला या किसी भी आश्रम में रुक सकते हैं, जहां पर आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए 24 घंटे के लिए आपसे चार्ज लिया जाता है। और कभी कभी देखने को मिलता है कि कोई भी आश्रम वाला आपसे पैसे नहीं मांगता है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। और किसी किसी आश्रम में आपको एक टाइम खाने का फ्री खाना भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो आप किसी प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं, जहां पर आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक आपको चार्ज किया जाता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए और अपनी वाइफ के साथ आए, अगर आप आश्रम में ना रहकर प्राइवेट होटल में रहना चाहते हैं तो आप 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच बड़े आराम से प्राइवेट होटल को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अब अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक खाली सिस्टम के हिसाब से बड़े आराम से खाना खाने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, खाना खाने और आराम करने के बाद आपको शाम के समय हर की पौड़ी पहुँचना है। दैनिक प्रार्थना आश्रम से जो हर की पौड़ी का लोकेशन है, जहाँ पर स्नान किया जाता है, वो करीब 500 मीटर की दूरी पर है। और अभी हम होटल से अपने निकल गए, जो कि पीछे था, वहाँ से निकलकर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो 500 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर चल के आपको नहाने का पूरा तरीका बताएंगे, कैसे कहां पर कैसे नहाया जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप हर की पौड़ी में पहुंचते हैं, यहां पर आपको कई सारे जूता चप्पल रखने वाले काउंटर मिल जाएंगे। यहां पर आप अपने जूता चप्पल रखने के बाद गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। सो गाइस, ये मेन घाट है जहां पर लोग नहाते हैं और जिसे हर की पौड़ी बोला जाता है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतनी ज्यादा भीड़ है और इतना अच्छा मौसम है यहां पर। लेकिन स्नान करते समय आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि आप नदी में ज्यादा अंदर तक ना जाएं, खास करके कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप रेलिंग से सटकर ही वहां पर स्नान करें। दोस्तों, गंगा नदी में स्नान करने के बाद चलिए अब बात करते हैं कि हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा की आरती कब होती है और उसका समय क्या है। सो गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं और ये जो नजारा आप देख रहे हो हरिद्वार हर की पौड़ी का है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा है। यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए हैं, लोग यहाँ पर शाम को 6 बजे भी नहाते हैं और शाम को 5:45 बजे यहाँ पे माँ गंगा की आरती होती है। तो जैसा कि अगर आप देख सकते हो हमारे इस साइड में, लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर बहुत ज्यादा माँ गंगा की आरती देखने के लिए बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ी है और इतना मजा आ रहा है यहाँ पर आकर। मैं अपनी लाइफ में पहली बार यहां पर आया हूं और बहुत ही ज्यादा यहां पर मजा आ रहा है। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं घंटा घर के पास कितनी भीड़ है, कितनी भक्तों की भीड़ है जो माँ गंगा की आरती को देखने के लिए आते हैं, उनके दर्शन के लिए आते हैं, कितनी श्रद्धा है भगवान के प्रति लोगों को, वो चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों, गंगा तट पर सबसे फेमस नजारा है हर की पौड़ी हरिद्वार का। दोस्तों, यहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है। यहाँ पर गंगा आरती में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। हर की पौड़ी में गंगा आरती 2 टाइम होती है, एक तो सुबह 6 बजे और दूसरा शाम को 6 बजे। दोस्तों, तो आप अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पर पहुँच जाएं और ब्रह्म घाट चले जाइए। दोस्तों, ब्रह्म घाट हर की पौड़ी को ही कहा जाता है। यहाँ पर गंगा आरती का काफी अद्भुत नजारा होता है। दोस्तों, अगर आप गंगा आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पर आरती से 1.5 घंटे पहले ही पहुँच जाएं, क्योंकि आरती को सामने से देखने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहले से ही पहुँच जाते हैं। आप जितनी जल्दी आएंगे आरती को उतने नजदीक और सामने से देख पाएंगे। तो एक छोटी आरती पेट मात्र 101 रुपए होती है। गंगा जी की आरती के लिए, बहुत प्रसाद के लिए, गरीबों के भोजन के लिए, भंडारे के लिए, जो भी कोई श्रद्धालु दान देना चाहते हैं वो दान देकर रसीद प्राप्त करें। वो बाजू इधर से ऊपर इधर से किसी को दिखाना है आरती के लिए, भोग प्रसाद के लिए बोल दे। हमारे कुछ दोस्त आए थे जो कि बिछड़ चुके हैं, तो हम उनको घंटा घर के पास ढूंढ रहे हैं। हमारे आए हुए मित्रगण जो भी गायब हो गए हैं, कृपया घंटा घर के पास आकर अपना दर्शन दें।
चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हरिद्वार में आप कहाँ घूमने और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हर की पौड़ी में ही घूमना है। दोस्तों यह स्थान भारत के सबसे पवित्र घाटों में एक है। कहा जाता है कि यह घाट विक्रमादित्य ने अपने भाई वृत हरि की याद में बनवाया था। इस घाट को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हर की पौड़ी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो गंगा मैया का नाम लेते हुए यहाँ पर आप स्नान जरूर करें। दोस्तों दूसरी जगह आप माता चंडी देवी के मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों माता मनसा देवी मंदिर से या फिर हर की पौड़ी से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता चंडी देवी का मंदिर। माता चंडी देवी का मंदिर भी नील पर्वत पर बना हुआ है। दोस्तों धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंडी देवी ने शुभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड को यहीं पर मारा था। चंडी घाटी से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो आप यहां से रोपवे भी ले सकते हैं जिसका किराया आने और जाने का 400 रुपए है। दोस्तों तीसरी जगह है आप माया देवी मंदिर भी जा सकते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माया देवी का मंदिर जो हर की पौड़ी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह मंदिर सती माता भोलेनाथ शिव जी की पत्नी को समर्पित है। दोस्तों इन्हीं देवी के पिताजी थे राजा दक्ष जिन्होंने शिव जी का अपमान कर दिया था जिसके चलते माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। दोस्तों इसी मंदिर के बगल में आनंद भैरव का मंदिर भी है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। दोस्तों चौथी जगह है आप मनसा देवी मंदिर भी जा सकते हैं। माता मनसा देवी का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ लोगों ने बताया कि 6:15 बज चुके हैं और रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आधे घंटे लगेंगे यहाँ से जाने में, तो चलिए हम चलते हैं। तो गाइस मनसा देवी मंदिर जाने का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, रास्ते में जंगल भी पड़ता है और कुछ कारणों की वजह से लोगों ने बोला कि कुछ जंगली जानवर भी वहां पर हो सकते हैं जिसकी वजह से हम मनसा देवी मंदिर नहीं जा पाएंगे। दोस्तों हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बना है। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है, मंदिर के लिए रोपवे भी है, पहाड़ की चोटी से हरिद्वार का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। माता मनसा देवी की एक प्रतिमा के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं, तो ऐसा चमत्कार आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप यहां पर जरूर जाएं। चलिए दोस्तों सारी जानकारी को देखने और सुनने के बाद अब ये भी जान लेते हैं कि हरिद्वार जाना किस मौसम में उचित रहता है। दोस्तों वैसे तो आप हरिद्वार वर्ष के किसी भी महीने में जा सकते हैं लेकिन जून से अगस्त के महीने में जाने से बचें क्योंकि यह महीना गर्मी और बरसात का होता है। बरसात के मौसम में थोड़ा घूमने का माहौल फीका पड़ जाता है। अगर आप मेरी राय से यहाँ पर जाना चाहते हैं तो अक्टूबर माह से लेकर मार्च माह तक हरिद्वार घूमने का सबसे अच्छा मौसम होता है, तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में किसी भी समय हरिद्वार घूमने के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि हरिद्वार घूमने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कितना खर्चा आएगा। दोस्तों ऊपर मैंने आपको जितने भी हरिद्वार में घूमने की जगहों के नाम बताए, अगर आप उन सभी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए हरिद्वार जाने का प्लान बनाते हैं तो आप अपने हरिद्वार के ट्रिप को मात्र 2 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। पहले दिन आपको हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी घाट पर होने वाले गंगा आरती को देख सकते हैं। दूसरे दिन आपको शांति कुंज, पावन धाम, माया देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, गायत्री माता मंदिर और राजा जी नेशनल पार्क घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खर्चे की। दोस्तों अगर आप हरिद्वार ट्रिप पर अकेले घूमने जाते हैं तो आपका हरिद्वार घूमने का खर्च 3,000 रुपए हो सकता है क्योंकि अकेले रहने पर होटल के किराए के साथ साथ ऑटो के किराए भी आपको खुद ही चुकाने पड़ते हैं जिससे हरिद्वार घूमने का खर्च अधिक हो जाता है। और यहीं पर अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ हरिद्वार घूमने के लिए जाते हैं तो हरिद्वार घूमने का खर्चा आपका 2,000 के आसपास ही होता है क्योंकि सभी चार्जेस 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि हरिद्वार घूमने के खर्च के इस बजट में मैंने आपके शहर से हरिद्वार जाने के खर्च को नहीं जोड़ा है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी
जानकारी अगर आपको पसंद आया हो और आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल आवारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो। सो गाइस, शाम के 7 बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है, तो मैं अपने व्यूअर्स को क्वालिटी वाली वीडियो देना चाहता हूँ, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। और कल की अगली सुबह नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से हरिद्वार से आपको केदारनाथ के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग फुल वीडियो।